अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। ओके गाइस, तो अब हम करने लगे हैं हमारा इतना ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लिवर का, जो कि है हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। आपके टोटल लिवर में से क्वेश्चंस आते हैं लिवर पैथोलॉजी में से, उसमें से 30% आपका है हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। तो बहुत ही आसान है, मतलब इसमें कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं, बस याद रखने वाली दो चार बातें मैं आपको सारी बता देती हूँ, बहुत सिंपल है ये। अच्छा, साफ साफ नजर आ रहा है कि दिस इज द मलेगनेंट ट्यूमर ऑफ द लिवर। ठीक है, लिवर के बिनाइन ट्यूमर्स मैंने आपको बता दी, जो मलेगनेंट ट्यूमर्स लिवर के होते हैं उसमें हमारे पास एक हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा होता है, जो हेपेटोसाइट्स का बेसिकली मलेगनेंट चेंज है। उसके अलावा वी हैव बाइल डक्ट्स, जो अगर लिवर के अंदर है उनमें मलेगनेंसी आ जाए तो उसको हम कहते हैं कोलेंजियोकार्सिनोमा। और उसके बाद हमारे पास बच्चों में अगर ये चीज होगी, बिल्कुल छोटे बच्चों में, तो उसको हेपेटोब्लास्टोमा कहेंगे। कौन सी चीज, ये हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा जैसी पिक्चर अगर छोटे बच्चों में होती है ना, तो उसको हेपेटोब्लास्टोमा कहते हैं। और उसके बाद हमारे पास कुछ बहुत रेयर ट्यूमर्स होते हैं लिवर के, जैसे एंजियोसार्कोमा, जो बेसिकली आपके ब्लड वेसल से रिलेटेड होते हैं, लेकिन वो हम पढ़ेंगे नहीं बिकॉज वो बहुत रेयर है, और दूसरी बात यहाँ पर उनकी डिस्कशन करने का फायदा नहीं है। अच्छा जी, तो हमारे हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा जो मोस्ट कॉमन है, यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें, मैं आपको साथ वीडियो के एंड में लास्ट में बताऊंगी कि हमारे पास किस तरह से इसका एसईक्यू आता होता है, सिनेरियो चाहे एमसीक्यू में से एसईक्यू में, दो तीन तरीकों से ही आता है, वही आपके रिपीट होते रहते हैं। अच्छा, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन उन एरियाज में ज्यादा है जहां पर आपका कोई भी क्रॉनिक लिवर डिजीज चल रही है। ठीक है, क्रॉनिक लिवर डिजीज किस किस में होती है, हेपेटाइटिस बी में, हेपेटाइटिस सी में, एल्कोहल में, जो हम कहते हैं, उसके अलावा कोई क्रॉनिक लिवर इंजरी चल रही है, सपोज अल्कोहल के अलावा एफ्लाटॉक्सिन है हमारे पास और चीज़ें, तो कोई भी चीज़ जो आपके लिवर को क्रॉनिक इंजरी में लेके जाती है, जिसका एंड रिजल्ट हम सिरोसिस भी पढ़ते हैं, वही चीज़ आपका कार्सिनोमा भी कर सकती है। सिरोसिस का होना या ना होना कैंसर के लिए ज़रूरी नहीं है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि सपोज एक बंदा एल्कोहलिक था और एल्कोहलिक होने की वजह से उसके लिवर के एक पोर्शन में कार्सिनोमा भी बनना शुरू होगा, क्योंकि वहाँ पर कोई जेनेटिक म्यूटेशन आ गई एल्कोहल की वजह से, मुसलसल क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से बेसिकली होता है। एल्कोहल क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन करती है, और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन जो है वो आपकी कोई जेनेटिक चेंज कर सकती है वहाँ पर, और मलिग्नेंसी आ जाती है। और हो सकता है कि उसके लिवर में साथ साथ सिरोसिस भी चल रहा हो, तो सिरोसिस का पैटर्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम पढ़ चुके हैं, और कार्सिनोमा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जरूरी नहीं है कि कैंसर सिरोसिस की वजह से होगा या सिरोसिस कैंसर की वजह से होगा, लेकिन रिस्क फैक्टर्स दोनों चीजें कर सकती हैं, सिरोसिस भी कर सकती है, कैंसर भी कर सकती है। रिस्क फैक्टर क्या है, जो सिंगल अगर वर्ड में मैं आपको रिस्क फैक्टर बताऊं, तो वह है कोई भी क्रॉनिक लिवर डिजीज, CLD। ठीक है, किसी भी CLD जो है वो आपके कैंसर के रिस्क को बढ़ा देती है। इसीलिए वेस्टर्न पॉपुलेशन में अभी हेपेटाइटिस सी का रिस्क जो है वो ज्यादा है, काफी वहां प्रिवेल करती है, इसीलिए वहां कैंसर ज्यादा है। और दूसरा, वहां पर एल्कोहल ड्रिंकिंग ज्यादा है। एल्कोहल ड्रिंकिंग एक तो लिवर में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन करती है, दूसरा हेपेटाइटिस बी के रिस्क को बढ़ा देती है, और उसकी वजह से कैंसर का रिस्क जो है वो HCC का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। अच्छा, हमारे पास आपके पास SEQ जो आता होता है ना, वो सिनेरियो तो मैं आपको एंड में बताती हूँ, और उसमें जो आपका पार्ट वो देते हैं SEQ का पार्ट, वो होता है उसके रिस्क फैक्टर्स लिखे फॉर द हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। तो मैंने ये सारे लिखे हुए हैं आपकी बुक में भी लिखे हुए हैं, कोई भी क्रॉनिक लिवर इंजरी है वो कर सकती है, और उसके अंडर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, हेपेटाइटिस बी वायरस या सी वायरस, आपको पता है कि क्रॉनिक लिवर डिजीज कॉज करते हैं, एफ्लाटॉक्सिन्स आपके एस्परजिलस जो फंगस है ना उससे प्रोड्यूस होने वाले टॉक्सिन्स हैं, तो एफ्लाटॉक्सिन्स की अगर इन्हेलेशन होगी तो ये भी आपका लिवर डिजीज करते हैं, लेकिन क्रॉनिक, ऐसा नहीं कि एक दफ़ा में ही हो जाता है, बहुत लंबे अरसे के लिए। एल्कोहल ड्रिंकिंग डेफिनेटली, क्योंकि आपका ये चीज़ एल्कोहल जो है वो स्टीटोसिस कर देती है, ठीक है, आपको पता है ना लिवर की इन्फ्लेमेशन करती है, हम पढ़ चुके हैं। फिर आपके कोई भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है, फॉर एग्जांपल नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज हमने पढ़ी थी, इसमें जो आती है सबसे कॉमन, जो अल्कोहल की वजह से नहीं होती लेकिन फैटी लिवर डिजीज होती है, उसमें भी क्या होता है, लिवर में इन्फ्लेमेशन चल रही होती है, हम ये पढ़ चुके हैं, और इसके रिजल्ट में भी कैंसर हो सकता है। और कोई भी इनहेरिटेड डिसऑर्डर जो लिवर को बहुत ज्यादा अरसे के लिए इफेक्ट करे, फॉर एग्जाम्पल जो आपकी विल्सन्स डिजीज है, या फिर आपकी वो जो लिवर की और इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स है जिनमें लिवर इन्वॉल्व हो रहा है, उसमें हो सकता है। लेकिन जो आपकी मेजर तीन चीजें रही, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो आपके पास ये क्वेश्चन आता होता है, आपने उसमें लिखना आंसर। अच्छा, फिर हमारे पास ये तो हो गए जो रिस्क फैक्टर्स हैं जो कर सकते हैं कैंसर। अब इन रिस्क फैक्टर्स की वजह से क्या होता है बेसिकली, ये सब तो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन करते हैं लिवर में, डिफरेंट तरीकों से करते हैं, वायरस अपने तरीके से करेगा, टॉक्सिन अपने से करेगा, एल्कोहल अपने से करेगा, और बहुत सारों का मैकेनिज्म हम पढ़ भी चुके हैं पिछले चैप्टर में। लेकिन कैंसर तब डेवलप होता है जब जेनेटिक म्यूटेशन आती है। कैंसर क्या होता है, अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ एबनॉर्मल सेल्स विच आर मेटास्टेसाइजिंग एंड नॉट स्टॉपिंग एट ऑल। ठीक है, तो कैंसर म्यूटेशन के बगैर नहीं आ सकता, तो हमारे पास इंसानों की वजह से जो म्यूटेशन आती हैं वो बहुत सारी तरह की आ सकती हैं। ठीक है, एक दो कोई भी तरह की हम कह नहीं सकते, डिफरेंट तरह की हैं और बहुत ज़्यादा हैं, जिनमें से जो 60% केसेज में देखी गई है वो TP53 की देखी गई है। TP53 आपको पता है ट्यूमर सप्रेसर जीन है, और ये आपके सेल साइकिल में जब आपका सेल ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन कर रहा होता है
जो प्रोटीन सिंथेसिस का बेसिकली प्रोसेस है उसमें ये चेक एंड बैलेंस रखता है कि अगर कोई चीज़ सही नहीं डुप्लीकेट हुई या सही नहीं गई तो उसको ये रोक लेता है, लेकिन अगर इसमें म्यूटेशन आ जाती है तो कोई भी चीज़ जो गलत बन रही है वो बनती ही जाती है और आपका कैंसर बन जाता है। और बीटा कैटेनिन, अभी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि दिस इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन सेल टू सेल एडहेजन एंड जीन ट्रांसक्रिप्शन, और ये प्रोसेस को नॉर्मल रखता है। अगर ये एबनॉर्मल हो जाएगा तो डेफिनेटली बात है ना, ट्रांसक्रिप्शन हमारी नॉर्मल रह सकती है और ना सेल्स एडहेजन सही रहती है। तो दोनों की दोनों 60% म्यूटेशन ये होती हैं, 40% ये होती हैं, और भी हैं बहुत सारी हैं लेकिन मोस्ट कॉमनली ये होती हैं। और क्यों होंगी? इन रिस्क फैक्टर्स के रिजल्ट में 99% ऐसा ही होता है कि कोई ना कोई रिस्क फैक्टर होता है। बहुत ही कम है कि कोई रिस्क फैक्टर नहीं था और कार्सिनोमा डेवलप हो गया, ऐसा ऑलमोस्ट कभी भी नहीं होता। मतलब आप समझ लें 0.1% कोई ऐसा केस होगा तो होगा। तो म्यूटेशन आपकी ये है। अच्छा, फिर हमारे पास जो म्यूटेशन हुई या जो भी हुआ उसकी वजह से क्या चेंजेस आते हैं, याद रखना कभी भी एकदम से कैंसर डेवलप नहीं होता। कैंसर किसी भी चीज़ का होना आपका एकदम से नहीं आता होता, बहुत कम ऐसे कैंसर हैं जो एकदम जिनका कोर्स होता है कैंसर, वरना हमेशा लंबा कोर्स लेता है जो मैलिग्नेंट कैंसर होते हैं। और लिवर में भी ऐसा ही है, आपके पास जो SEQ में दूसरा पार्ट आता होता है, एक रिस्क फैक्टर्स का वो पूछते हैं, दूसरा वो कहते हैं प्रिकर्सर लीजेंस ऑफ हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा बताएं। तो याद रखना है प्रिकर्सर लीजेंस का क्या मतलब है, कि कौन सी चीज़ है जो आप अगर मॉर्फोलॉजी देखेंगे उसके, अगर आप लिवर को माइक्रोस्कोपिक पिक्चर में देखेंगे तो कौन सी चीज़ है जो आप बहुत शुरू में आइडेंटिफाई कर लेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि यार अभी कैंसर डेवलप नहीं हुआ, हो सकता है ये हो जाए। तो वो 5 प्रिकर्सर लीजेंस है, बुक में 4 लिखी हुई, आपने 5वीं भी लिखनी है। स्मॉल सेल चेंज है, लार्ज सेल चेंज, लो ग्रेड डिस्प्लेसिया, हाई ग्रेड डिस्प्लेसिया एंड म्यूकोसो रिजेनरेटिव डिस्प्लास्टिक नोड्यूल्स। ठीक है, अच्छा अभी क्या क्या स्मॉल सेल चेंज, बहुत इनिशियल चेंज होती है। आपने इस सारों में ना सेल की बेस पे हम कह रहे हैं ना, हम कह रहे हैं कि हमारे पास ये लिवर था, हमने इसका एक छोटा सा बायोप्सी की और हमने माइक्रोस्कोप में उसको देखा, ठीक है अभी कैंसर डेवलप नहीं हुआ, हमें क्या नजर आएगा? हमने 4 चीज़ों पे कमेंट करना होता है सेल्स की, जो हिपेटोसाइट्स हैं उनका साइज कैसा है, नॉर्मल है या नहीं, उनका न्यूक्लियस का साइज कैसा है, ठीक है न्यूक्लियस का साइज, उसके बाद न्यूक्लियस में जो क्रोमेटिन मटीरियल है वो कितना है, और न्यूक्लियस का जो आपका सेल है उसके बराबर में कितना साइज और उसका रेशियो है वो उस पर कॉमेंट करना है आपने, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मिक रेशियो पे बेसिकली, ठीक है, और नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने हैं, ये 4 चीज़ों पे आपने लाजमी कॉमेंट करना है जब आपने देखना है किसी भी लिवर की बायोप्सी को, कि सेल्स का नॉर्मल साइज क्या है, न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्मिक रेशियो डिस्टर्ब तो नहीं, नॉर्मल इतना होता है, हो सकता है कि सेल्स में इतना बड़ा न्यूक्लियस हुआ हो, ठीक है, और उसके बाद न्यूक्लियस का साइज क्या है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन मटेरियल का कंटेंट कितना है, और नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एक हैं या एक से ज्यादा हो गए हैं। तो आपके जो स्मॉल सेल चेंज होते हैं ना, अभी ये बिल्कुल इनिशियल चेंज होता है, इसमें क्या होता है कि आपको लिवर में कहीं कहीं पर ऐसा लगेगा कि जो साइज ऑफ द सेल है, सिर्फ साइज ऑफ सेल, पूरे सेल का साइज, वो एबनॉर्मल लगेगा आपको, कहीं आपको बड़े सेल्स मिलेंगे कहीं छोटे मिलेंगे, तो आपको अंदाजा होगा कि यार कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है, सबसे शुरू में आपको ये मिलता है। लार्ज सेल चेंज में आपके थोड़ी सी मजीद चेंज हो चुकी होती है कि आपको साइज ऑफ ये भी थोड़ा डिफरेंट मिलता है, और न्यूक्लियाई भी आपको एक से ज्यादा मिल सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है हर सेल में मिले, हो सकता है पूरे लिवर की बायोप्सी की जो आप पिक्चर देखें उसमें एक सेल में आपको 2 न्यूक्लियाई मिल जाए, ठीक है। उसके अलावा क्रोमेटिन मटेरियल की डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ी डिफरेंट हो चुकी होगी, लेकिन कुछ का कुछ चेंज आ चुका होता है। अब जो लो ग्रेड डिस्प्लास्टिक नोड्यूल है, इसमें क्या होता है कि आपके लिवर में वाइड स्प्रेड डिस्प्लेसिया शुरू हो चुका होगा, लेकिन लो ग्रेड, लो ग्रेड डिस्प्लेसिया का मतलब होता है, जब भी वर्ड डिस्प्लेसिया सुने हमेशा याद रखना कि इट इज़ अ प्री मेलिग्नेंट कंडीशन, जो मेलिग्नेंसी में बन जा सकती है। लो ग्रेड डिस्प्लेसिया में यही चेंजेस है, और लार्ज सेल चेंज से थोड़ी और ज़्यादा है, और मल्टीपल सेल्स में अब आपको नजर आएंगी, काफ़ी सारे सेल्स आपको नजर आएंगे जिनमें आपको एक से ज़्यादा न्यूक्लियाई नजर आएंगे, आपको साइज ऑफ सेल एबनॉर्मल मिलेगा, एबनॉर्मल बॉर्डर्स मिलेंगे, माइटोटिक फिगर्स मिलेंगे, माइटोटिक फिगर्स का मतलब है डिवाइडिंग, रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स आपको नजर आएंगे डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में, ठीक है। और हाई ग्रेड डिस्प्लास्टिक नोड्यूल ये है कि अब आप जब लिवर को देखेंगे तो आपको ग्रॉसली भी पता चलेगा कि लगता है कोई मैस बन रही है लिवर के ऊपर, और आपको माइक्रोस्कोपिकली भी महसूस होगा कि बहुत ज़्यादा सेल्स एबनॉर्मल हैं, न्यूक्लियस उनके डिस्टर्ब हुए हुए, मल्टीपल न्यूक्लियाई हैं उनके अंदर, क्रोमेटिन मटीरियल का कोई पता नहीं चल रहा, सेल की शेप बिल्कुल डिस्टॉर्टेड है। हाई ग्रेड डिस्प्लास्टिक नोड्यूल इज 99.9% कन्वर्टिंग इनटू योर कार्सिनोमा, ठीक है।
तो ये जो आपके आखिरी वाले नोड्यूल है जिनको हम रीजेनरेटिव नोड्यूल्स कहते हैं, ये बेसिकली इनको म्यूकस रीजेनरेटिव कहते हैं अगर ये म्यूकस प्रोडक्शन के साथ, लेकिन नॉर्मली इनको रीजेनरेटिव नोड्यूल कहते हैं। तो रीजेनरेटिव नोड्यूल्स आपके बिलरी हाइपरटेंशन से रिलेटेड होते हैं, इनका इतना ज़्यादा रोल नहीं है, ज़्यादा आपके पहले चार हैं, लेकिन क्योंकि उन्होंने पूछा है तो हम इसको भी लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, अब फिर वो अगला आपसे जो कई बार पार्ट पूछते हैं ना इसी को, वो होता है मॉर्फोलॉजी लिवर की, बताएं जो हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा में होगी। ये भी आपने दो पार्ट्स में बतानी है, ग्रॉस मॉर्फोलॉजी एंड माइक्रोस्कोपिक पिक्चर। डेफिनेटली ग्रॉस में आपको क्या नजर आएगा, आपका इस तरह का कार्सिनोमा भी हो सकता है कि आपको लिवर में देखें अगर आप ग्रॉसली, तो ऐसे पूरी एक मैस मिले, ठीक है, बड़ी सी आपको एक मैस मिलेगी जिसको हम कहेंगे यूनिफोकल एरिया है, जहां पर आपका पूरा का पूरा कार्सिनोमा बना है और उसमें छोटे छोटे नोड्यूल्स नहीं है, एक ही चीज थी जो बड़ी सी करके ग्रो की है। मल्टीफोकल का मतलब ये है कि आपके डिफरेंट डिफरेंट फोकाई पे आपको छोटे छोटे नोड्यूल्स मिलेंगे एंड ऑल दीज आर हैविंग कैंसरस चेंज इन देम, ठीक है। यूनिफोकल का मतलब है एक ही फोकस से ओरिजिनेट करके बड़ा सा हो गया, एंड मल्टीफोकल ये है। इन्फिल्ट्रेटिव का मतलब है कि ऐसा कैंसर जिसने बेसिकली कोई नोड्यूल या कोई बल्ज अपेयर नहीं किया, लेकिन अंदर सेल्स में कैंसरस चेंज आ गया, जो सेल्स आपके बन रहे थे नॉर्मल हेपेटोसाइट्स वो सारे कैंसरस हो गए और वहीं से वो मेटास्टेसाइज करने लग गया एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यूज में। तो ऐसा कैंसर लिवर में बहुत ज्यादा एबनॉर्मैलिटी एज सच नहीं करेगा, एज सच से मुराद ये है कि आपको नोड्यूल्स बने हुए नहीं मिलेंगे, लेकिन अंदर लिवर के सेल्स का अपना फंक्शन बिल्कुल खत्म हो चुका होगा क्योंकि वो सारे मेलिग्नेंट सेल्स होंगे और बाकी ये मेटास्टेसाइज बहुत करेगा, जिसको हम इन्फिल्ट्रेटिव पैटर्न कहते हैं। तो ग्रॉसली आपको ये नजर आता है, और आप जब माइक्रोस्कोपिकली देखते हैं तो आपको थिकेंड सेल्स नजर आएंगे, जो आपको नोड्यूल्स बने हुए ये मिलेंगे ना, जो मैं कह रही हूँ आपको यूनिफोकल या मल्टीफोकल नोड्यूल्स हैं, जो भी लिवर के आपके जो भी मेलिग्नेंट सेल्स हैं उसमें आप देखेंगे, तो आपको इतने, जिस तरह आप समझ लेना एक जो लिवर का नॉर्मल हम पढ़ते थे कि ऐसा लोब्यूल होता है या एक सेल प्लेट इसे हम कहते हैं, ये लिवर का नॉर्मल लोब्यूल है, इस तरह के थिकेंड सेल्स विद थिकनिंग ऑफ ट्रेबेक्यूली बिटवीन देम और एबनॉर्मल हेपेटोसाइट्स विद न्यूक्लियर प्लियोमॉर्फिज्म है, न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्मिक रेशियो डिस्टर्ब है, क्रोमेटिन मटीरियल खराब है, इस किस्म की आपको पिक्चर मिलेगी। और मेलिग्नेंसी में यानी हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा में हाईली डिफ्रेंशिएटेड सेल्स भी हो सकते हैं और हाईली एनाप्लास्टिक, एनाप्लास्टिक का मतलब है ऐसे सेल्स जो बिल्कुल पहचाने नहीं जा रहे कि किस किस्म के हैं, तो वाइड इसमें डिस्ट्रीब्यूशन आती है, ठीक है। अगले पार्ट में इसको कंटिन्यू करते हैं, अभी तक कोई मसला हो ये के नास में, थैंक यू।